तो भाई लोग कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी के थीम के एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूँ MIUI 11 एंड MIUI 12 के ऊपर 3 ऐसे थीम जो कि आप अपने Xiaomi या Redmi डिवाइस पे इस थीम को अप्लाई करोगे तो आपका फोन जो है काफी ज्यादा चेंज हो जाता है दोस्तों। तो हमारा फर्स्ट थीम जो है दोस्तों हो चुका है अप्लाई। इस थीम का नाम है क्वालिटी V11 एंड दोस्तों इस थीम में देखेंगे तो आपको नेप बटन MIUI 9 की तरह देखने के लिए मिल जाएगा। एंड यहाँ पे इस थीम में आइकन पैक्स कुछ इस तरीके से है एंड क्लॉक की बात की जाए तो यहाँ पे क्लॉक भी कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है आपको। एंड दोस्तों बात करते हैं इसकी नोटिफिकेशन पैनल की तो यहाँ पे भी आपको डार्क में देखने के लिए मिल जाता है। तो लेकिन आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कि ये थीम तो पूरा डार्क है तो इसमें क्या न्यू फीचर है दोस्तों। तो मैं आप सबको बताऊंगा कि क्या इसमें हाईलाइट फीचर है दोस्तों। तो ये आते हैं सेटिंग एप्स में तो यहाँ पे भी सेटिंग एप आपको डार्क देखने के लिए मिलता है। ये थीम टोटली डार्क है। एंड दोस्तों बात करते हैं डायलर ऐप की तो डायलर ऐप यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों। एंड बात करते हैं मैसेजेस ऐप की तो यहाँ पे मैसेजेस ऐप आपको डार्क में देखने के लिए मिलता है। तो इसकी हाईलाइट फीचर है दोस्तों लॉक स्क्रीन। जी हाँ दोस्तों लॉक स्क्रीन की बात की जाए अगर तो मैं अपने करता हूँ फोन को लॉक एंड आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते होंगे कि क्लॉक में जो एनिमेशन है दोस्तों काफी ज्यादा यहाँ पे है। एंड यहाँ पे साइड में आपको देखने के लिए मिल जाता है क्लॉक की डिजाइनिंग जो कि आप चेंज कर पाओगे दोस्तों। एंड बात करते हैं और भी लॉक स्क्रीन में तो दोस्तों कुछ शॉर्टकट ऐप्स वगैरह जो है जो कि आप वन क्लिक में एक्सेस कर पाओगे। स्लाइड करोगे तो आपका फोन जो है अनलॉक होगा। और बात करते हैं इस थीम में तो दोस्तों आपका जो बैटरी है काफी ज्यादा ये थीम सेव करती है। तो हमारा दूसरा थीम आता है दोस्तों IP14 एंड इस थीम को मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो अप्लाई करता हूँ तो इसका जो है नेप बटन आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। एंड बात करते हैं आइकन पैक्स की तो आइकन पैक्स आपको कुछ इस तरीके से है लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो क्लॉक है दोस्तों काफी बढ़िया सा क्लॉक यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। नोटिफिकेशन पैनल की बात की जाए तो नोटिफिकेशन पैनल कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। एंड दोस्तों सेटिंग एप्स में आते हैं तो सेटिंग एप्स आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं डायलर ऐप की तो डायलर ऐप आपको कुछ iOS का फील देखने के लिए मिल जाता है इसी IP14 में दोस्तों। एंड बात करते हैं मैसेजेस ऐप की तो यहाँ पे मैसेजेस ऐप भी आपको iOS की तरह ही थोड़ा सा मैच करता है दोस्तों। लेकिन बात करते हैं इसकी लॉक स्क्रीन तो लॉक स्क्रीन कुछ इस तरीके से है जो कि आप स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको कुछ शॉर्टकट कंट्रोलर देखने के लिए मिल जाएगा जो कि आप वन क्लिक में आप ब्लूटूथ वाईफाई फ्लैश लाइट एंड म्यूजिक भी विजिट कर पाओगे दोस्तों। एंड बात करते हैं और भी इसकी लॉक स्क्रीन की फीचर की दोस्तों तो यहाँ पे काफी बढ़िया सा एनिमेशन देखने के लिए मिल जाता है हमें वेदर में। एंड यहाँ पे कुछ शॉर्टकट गैलरी वगैरह जो है दिया गया है दोस्तों। और अब बात करते हैं हमारे लास्ट थीम यानी थर्ड थीम की तो यहाँ पे काफी कमाल सा होने वाला है थर्ड थीम। तो मैं अपने थीम स्टोर में आके यहाँ पे थर्ड थीम को अप्लाई कर देता हूँ जिस थीम का नाम है दोस्तों फ्यूचर डिजाइन। अगर इसकी नेप बटन की बात की जाए तो नेप बटन यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे चेंज किया गया है। एंड वॉलपेपर होम स्क्रीन का कुछ इस तरीके से है लेकिन दोस्तों बात करते हैं इसकी आइकन पैक्स में तो आइकन पैक्स में काफी बढ़िया सा एनिमेशन देखने के लिए मिलता है। एंड दोस्तों क्लॉक की बात की जाए तो क्लॉक भी काफी बढ़िया सा एनिमेशन देता है दोस्तों। और बात कर लेते हैं इसकी नोटिफिकेशन पैनल की तो नोटिफिकेशन पैनल एंड स्टेटस बार कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा कूल यहाँ पे देखने में लगता है। सेटिंग एप्स में आते हैं दोस्तों तो आपको सेटिंग एप्स भी कुछ इस तरीके से है जो कि आप देख पा रहे होंगे। एंड बात करते हैं डायलर ऐप की तो डायलर ऐप आपको डिफॉल्ट की तरह ही देखने के लिए मिल जाता है। मैसेजेस ऐप भी आपको डिफॉल्ट है। बात करते हैं बूट एनिमेशन की दोस्तों तो यहाँ पे अपने फोन को करता हूँ बूट एंड यहाँ पे कुछ बूट एनिमेशन जो है कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग एंड
स्कूल देखने के लिए मिल जाता है और नीचे में लिखा हुआ है हेलो फ्यूचर। दोस्तों सबसे अच्छी थीम की पार्ट आपको कौन सी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।